भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना रहत हजा के आरा में, भाई आप सभी को पता है कि वो डिलीट हो चुका है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि उसे डिलीट किसने करवाया है। उसे डिलीट रवि राज ने करवाया है। ये भी बताया जा रहा है कि फेक कॉपीराइट के तहत ही इसे डिलीट भी करवाया गया है। आपको हम यहाँ ये बता दें कि रहत हजा के आरा क्यों ये सॉन्ग इतना कंट्रोवर्शियल बना, इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि लोगों को ये लगा कि खेसारी लाल यादव ने ये गाना पवन सिंह के लिए और सिंगर प्रमोद प्रेमी के लिए गाया है। लेकिन जैसे ही ये गलतफहमी बढ़ी, खेसारी ने तुरंत आकर इस बात की क्लेरिफाई की कि ये गाना मैंने लॉकडाउन से पहले रिकॉर्ड किया था, और यही नहीं तकरीबन इस वक्त जितने मेरे गाने रिलीज़ हो रहे हैं सारे गाने मैंने लॉकडाउन से पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अब उसे बारी बारी से इस लॉकडाउन में रिलीज़ किया जा रहा है। और उन पंद्रहों गानों में से एक गाना था रहत हजा के आरा में। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस गाने से पवन सिंह से भी ज़्यादा प्रमोद प्रेमी हर्ट हुए और उन्होंने एक गाना तुरंत का तुरंत रिलीज़ किया। जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ रहत हजा के आरा, उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने नचनिया भतार करके एक गाना रिलीज़ किया, और इस गाने को बताया जा रहा था कि उन्होंने पूरी तरह से खेसारी लाल यादव के ऊपर ही गाया है। लेकिन अब वो लोग जो ये बात जानना चाहते थे कि रहत हजा के आरा में ये सॉन्ग डिलीट किसने करवाया, पहले जब इस वीडियो पे क्लिक किया जाता था तो क्लेम बाय थर्ड पार्टी दिखाया जाता था, लेकिन अब इस वीडियो को जब क्लिक किया जाता है तो उस पे दिखाया जाता है नाम रवि राज, यानी कि इसे किसी रवि राज ने डिलीट करवाया है। और इसका लिंक अब भोजपुरी के बहुत ही बड़े माने जाने हस्ती के साथ बताया जा रहा है, जिसे हम बहुत जल्द रिवील करेंगे कि वो हस्ती है कौन जो इस इंसान के पीछे है और जिसने ये गाना डिलीट करवाया है। तो अभी तो सिर्फ नाम जो थर्ड पार्टी का था वो आया है रवि राज, और जल्द ही जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो कौन है जिसने थर्ड पार्टी का तो सिर्फ नाम दिखाया था, यानी रवि राज को तो सिर्फ आगे किया था और उसके पीछे बनकर खेसारी लाल यादव का दोस्त बनकर दुश्मनी का काम किया है, यानी कि खेसारी के पीठ में खंजर भोपा है, वो नाम हम जल्द ही आपको बताएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।